बहुत पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है, उसमें इसीलिए हमने वरिष्ठ अधिकारी भी रखे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स भी रखे हैं, जिससे कि सभी तथ्य सामने आ जाएं। जो तथ्य आए थे, जिनमें एक मौत उनके द्वारा छुपाई गई थी, वो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से आ चुकी है। इसके अलावा भी समय समय पर जो बच्चे जितने वहाँ पर भर्ती हुए हैं, उनका भी एक एक का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और सभी का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अगर कोई भी नया तथ्य प्रकाश में आता है तो तत्काल ही मीडिया के माध्यम से इसको सामने लाया जाएगा। अभी जो स्थिति है, जो अंतरिम जाँच प्रतिवेदन आया था, उसके हिसाब से कुल अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 6 मौतें हुई हैं बच्चों की, जिसमें कि एक मृत्यु उनके द्वारा पहले छुपाई गई थी और बाकी की जो एक मृत्यु थी वो 30 को हुई थी और 4 इस संक्रमण से हुई थी। बाकी कोई भी तथ्य सामने आता है तो मीडिया के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में जो बच्चे अस्पताल में शिफ्ट कराए गए थे, उनमें से वो ठीक होना भी चालू हो गए हैं। कल 12 बच्चों को हमने सरकारी जो हमारा प्रदेशीपुरा का आश्रम है उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया है। आज फिर से 20-21 बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। अभी भी हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं, अगर किसी बच्चे में ज़रा सा भी लक्षण होता है तो तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। जो सैंपल्स लिए थे उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें पानी से संक्रमण होना प्रतीत हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।